हेलो दोस्तों, आज मैं सीख रही हूँ गाड़ी चलाना भाई जी से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं एक घंटे में गाड़ी चलाना सीख गई। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठी और मैंने पहली बार गियर, क्लिच और ब्रेक के बारे में जाना, और मैंने आज पहली बार स्टेयरिंग घुमाया और मैंने पहली बार गियर लगा कर गाड़ी स्टार्ट की, और ये सब मैं एक घंटे में सीख गई। ये देखिए, मैं अब गाड़ी आराम से चला रही हूँ। अगर आप भी ऐसे गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। देखो ये तीन है, ये रेस, ठीक है, ये ब्रेक और ये है क्या चीज है, क्लिच। तीन है तो ये लेफ्ट पग जो है वो क्लिच के ऊपर रहना चाहिए बस, और दो नंबर ये राइट जो पैर है वो क्लिच रेस के ऊपर और ब्रेक के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका काम होगा, ये काम करेगा, ठीक है। और इस साइड में यहाँ पर जो है ये है हैंड ब्रेक, कौन सा है ये हैंड ब्रेक है, अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर गियर है जिसके अंदर पांच गियर लगते हैं और एक रिवर्स गियर है। गियर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, जैसे ये चिन्ह किया हुआ इसी साइड में, जैसे एक नंबर लगाना है तो पहले देखो न्यूट्रल है कि नहीं, फिर इस साइड में गया ये एक नंबर, ठीक है, इसी साइड में पास पास में पीछे लेके आए दो नंबर, यहाँ बीच में लेके आए न्यूट्रल और ये तीन नंबर, ये चार नंबर, इसी तरह से ये इस साइड में लेके ये पांच नंबर और ये न्यूट्रल और ये इस तरह से रिवर्स बैक, ठीक है। अब चलाना शुरू स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले चेक करो कि गियर न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल है, फिर उसके बाद में चाबी लगाओ, ये चाबी इस तरह से, हाँ ये चाबी लगाओ, ऑन करो, पूरी पूरी लगाओ, पूरी पूरी पूरी, हाँ अब चाबी लगी, ये ऑन, एक बार और ऑन, अब लाइट आ गई इसके अंदर, अब क्या हो गया, चाबी लगा करके इसको स्विच ऑन कर दिया और उसके बाद में एक और थोड़ा सा, अब क्या करना है, स्टार्ट करना है, यानी कि अब ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, ठीक। अब जब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में चलना होगा तब क्या करना है कि क्लिच दाबो, क्लिच क्लिच सीट आ गया, ये क्लिच दबाई, उसके बाद में एक नंबर गियर, हाँ, और हैंड ब्रेक निकालना थोड़ा ऊपर लेके ऐसे, बस इसके अंदर दिख जाता है सब चीजें। अभी एक काम और, ये रेड दिख रहा है ना इस साइड में, ये देखो रेड, हाँ। यानी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, ठीक है, तो जब आप चलाओ तब सीट बेल्ट लगाओगे तो ये रेड नहीं रहेगा, हैंड ब्रेक निकालते ही से रेड भी खत्म हो गया। अब चलू कैसे करना है, आप क्लिच को जैसे जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे छोड़ो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, धीरे धीरे बस 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 बस, अब जैसे मतलब स्टार्ट चल रही है गाड़ी, हल्की हल्की चल जाएगी, लेकिन फिर हल्की हल्की फिर रेस और देनी पड़ेगी जिससे गाड़ी क्या है स्पीड पकड़ने लगेगी धीरे धीरे। क्लिच को छोड़ूं और रेस धीरे धीरे देनी है, हाँ रेस धीरे धीरे हल्की है तो गाड़ी चलने लग जाएगी, और फिर चलती गाड़ी के अंदर दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर इस तरह से गियर लगाने होते हैं। गियर लगाते समय प्रत्येक बार क्या करना है, क्लिच को दबाना है, यानी क्लिच का, अब जब गाड़ी चलने लग जाएगी तब क्लिच छोड़ देनी है पूरी तरह से, ठीक है। हम गाड़ी चलाने के लिए गांव से बाहर आ गए हैं क्योंकि नए व्यक्ति के लिए सेफ जगह बहुत ज़रूरी होती है, और मैंने क्लिच दबाकर एक नंबर गियर लगाया और फिर हैंड ब्रेक हटाया। याद रखें, गाड़ी ढलान की जगह पर हो तो पैर वाला ब्रेक लगाना भी ज़रूरी है, और फिर धीरे धीरे क्लिच को छोड़ना है और धीरे धीरे रेस देनी है, और ये गाड़ी चलना हमारी शुरू हो जाएगी। और ये हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई है, वाव बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you.
दोस्तों पहला दिन होते हुए भी काफी सीख गई है और एक नंबर के ऊपर ही चला रही है धीरे धीरे। स्टेरिंग और स्टेरिंग का बैलेंस और आगे पीछे देखने वाला वो सब कुछ नहीं, सिर्फ अभी तो क्लिच ब्रेक और रेस गियर इनका जो बैलेंस है वही सीख रही है। मुश्किल से 5-7 दिनों में ठीक ठाक सीख सकती है अगर लगातार प्रैक्टिस हो तो। हल्की हल्की रेस, हल्की हल्की रेस, दोस्तों पहला दिन और 2 किलोमीटर गए करीब 2-2.5 और इतना ही वापस आ गए तो काफी है इतनी प्रैक्टिस। कैसा लगा चला के? हाँ बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। अभी क्या है कि अच्छा लगा लेकिन बहुत ही ऐसे डर लग रहा है। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है तो मतलब बहुत ऐसे हो रहा है। वो ऐसे जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, आपको पता ही है। पहले दिन इतना नहीं होगा, एक मतलब अभी भूल रही है ये सारी चीजें, मतलब ऑटोमेटिक जब होने लग जाएगी तब कहीं जाके अच्छे तरीके से सीख पाएगी। अब गांव आ गए वापस।